अस्सलाम वालेकुम, मैं शबी जैदी अलायंस पोर्टेबल जूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो वीडियो बनाने का मकसद है, लक्ष्य है, मोटो है, जैसे कि लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी थी केज की, तो आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने उसे सराहा। तो देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ अपने भाइयों के लिए करता हूँ, और दूसरी बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि जैदी साहब केजीज बिक रहे हैं, पिजन्स के लोहे के केज आजकल बन रहे हैं जाली वाले, तो आप भी बनाएं। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बर्ड लवर हूँ। दूसरी बात, जो जाली के केज होते हैं वो पैरट्स के लिए होते हैं, कभी पिजन्स के लिए नहीं होते। तो जैसे कि मैंने वीडियोज़ में आजकल देख रहा हूँ कि जो जाली के जाल बना रहे हैं कबूतर के लिए, कि जी एक पैर नीचे रहेगा एक पैर ऊपर रहेगा या सिंगल पैर का, तो मेरे भाई वो गलत है। और ये वीडियो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर आपके कबूतर को काफ़ी नुकसान है, काफ़ी हानि है। अब अगर मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ कि काफ़ी हानि है और परेशानी है कबूतर को, तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों, आप उसको मेरी डिटेल में बताएं। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हमारे जाली का केज होता है, पहली बात तो कबूतर के लिए जाली का केज नहीं होता, तीन साइडें बंद होती हैं, फ्रंट खुली भी होती है, ऊपर से बंद होता है, नीचे से बंद होता है, ठीक है। दूसरी बात, कबूतर हमेशा आगे जाली होती है, आगे गेट होता है, तीन साइड से बंद होता है। आपने आगे जाली लगाई, उसके पीछे क्रॉस वेंटिलेशन छोड़ा जाता है, जिसके अंदर से हमारी कबूतर की हवा आर पार हो जाएगी। ये नहीं है कि आप तीनों साइडें बंद कर दें और उसके अंदर हवा पार ना हो पाए। तो लकड़ी के अंदर या किसी भी चीज़ में आप उसके अंदर गैप छोड़ेंगे, दो सूत तीन सूत का, जो हमारी हवा क्रॉस वेंटिलेशन बन जाए। क्रॉस वेंटिलेशन बनाने से जो अंदर गर्मी होती है वो पैदा नहीं होगी, दूसरी बात जो एक ह्यूमिडिटी बनती है वो नहीं बनेगी, और अगर कोई गंदी हवा या पोल्यूशन की हवा आती भी है तो जाल में हमारे आके चली जाएगी। तो अब जैसे लोहे की जाल की हम बात करें, लोहे का जाल जैसे मैंने वीडियो में देखा, चारों साइडें बिल्कुल ओपन है, ऊपर से पूरी जाली है, नीचे जाली है। तो देखिए, कबूतर क्या होता है, कबूतर हमेशा जब भी बैठता है ज़मीन के ऊपर या जाल के अंदर, अपने पंजे सीधे करके बैठते हैं, कभी भी आप नोटिस करना। और जो लोहे के जाल होते हैं, कबूतर जब बैठेगा उसके अंदर, तो हमेशा आप देखना वो पंजे को ऐसे करके बैठेगा, अपने नाखूनों को, ये आप देख सकते हैं, वो ऐसे दबा के बैठेगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, हफ्ता, दस दिन, पंद्रह, महीना, जब महीने महीना महीनों में बदलते हैं और महीने जो होते हैं वो सालों में बदलते हैं, तो आप देखेंगे आपके कबूतर के अंदर कितना फ़र्क आ चुका है, कि आपके कबूतर को आदत हो जाएगी हमेशा पंजा ऐसे रखने की। उसमें क्या होगा, आपके कबूतर के नाखून जो है वो भी बढ़ जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी जो होगी वो नाखून बढ़ने की होगी, जो कबूतर नाखून बढ़ेंगे ऊपर की तरफ शेप के अंदर। दूसरा, कबूतर की जो हड्डियाँ हैं वो इस तरह हो जाएंगी। तो मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कबूतर को लकड़ी के जाल में रखें, अगर आपका पक्का जाल है तो उसके अंदर भी आप पूरी सहूलियत रखें, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, अंदर पूरा चूना होना चाहिए, सफ़ेदी जो चूना होता है उससे क्या होता है, पूरे जम्स नहीं आते। जो हम अगर लोहे के जाल की बात करें, तो इसके अंदर जब कबूतर पर फड़फड़ाता है तो उसके जो पर हैं वो जालियों में चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या होता है, आदमी एक बार हटाता है, दो बार, चार बार, दस बार, बीस बार, उसके बाद कुछ टाइम बाद आदमी का शौक कम होने लगता है और जो सफाई का एक तरीका होता है वो कम हो जाता है, जिससे वो पर जाली के ऊपर चिपक जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन जो होते हैं वो उन परों के अंदर जाके बसते रहते हैं, जिससे हमारा कबूतर बीमारियाँ पकड़ता है जल्दी जल्दी। लकड़ी का जाल जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लकड़ी का जाल आप
कबूतर रखें उसमें क्या कर सकते हैं आप, चूना सफ़ेदी का चूना मोटा मोटा लेके फेर सकते हैं, ये आप हर दूसरे महीने कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, जिससे आपके कबूतर के अंदर जाल में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जो चूना है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। आप सफ़ेदी मार सकते हैं चूना वाइट, जिससे इन्फेक्शन जाल के अंदर नहीं आता। दूसरी बात, जाली में रखने से जो नुकसान मैंने आपको बताए कि कबूतर में आदत पड़ी जाएगी पंजा ऐसे रखने की, जो उसके नेल्स हैं वो नेल्स ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे ऐसे हुक की तरह, जिससे कबूतर की लैंडिंग के अंदर परेशानी होगी, कबूतर अपना पंजा ऐसे रखेगा और नाखून उसका प्रॉपर ज़मीन पे नहीं रहेगा। यह आप बात समझिए, जब कबूतर ऐसे करके बैठता है अपने पंजे को ऐसे रखेगा तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठहर जाता है। सपोज़ करें हमने अपने मुट्ठी बंद करी, मुट्ठी बंद करने के बाद हम कुछ सेकंड बाद मुट्ठी खोलते हैं तो हमारा हाथ सफ़ेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है। तो यही कंडीशन लोहे के जाल में अक्सर मैंने देखी है, ये परेशानी आती है, पर लोग इस परेशानी को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। कबूतर है, सस्ती चीज़ है, आया बीमार हो गया हटा दो दूसरा ले आएंगे, किसी बच्चे को दे दो दूसरा ले आएंगे। तो मेरे भाई, आप अगर कोई चीज़ पालें उसकी छोटी छोटी बात बात ध्यान रखें, उसका डाइट, उसको पाना पानी, उसके रखने का रखाव, क्या मेडिसिन देनी चाहिए, सब चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। मेरा किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं है, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप लकड़ी का जाल मुझसे खरीदें। आप लकड़ी का जाल कहीं से भी लें, आप लोहे का जाल बनाएं, आप लकड़ी के जाल में रखें, पर जो एक तरीका होता है क्रॉस वेंटिलेशन का और तीनों साइड बंद, ऊपर से बंद नीचे पूरा फर्श, इस तरीके से आप रखें। तो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आप मुझसे माल खरीदें जी मेरा माल बिके। अभी लोगों ने कमेंट भी किया कि ज़ैदी साहब आपके इतने सस्ते रेट आपने क्यों निकाले जाल के, बहुत सस्ते रेट निकाले आपने, लोग बड़े महंगे महंगे जाल बेच रहे हैं लोहे के। तो मेरे भाई, मेरा मकसद लोगों को शौक कराना है, लोगों के साथ में चलना है। आज जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मैं सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइबर्स नहीं बोलता, मैं हमेशा अपना भाई मानता हूं। और आज मैं कहता हूं कि मेरे 6,500 प्लस सब्सक्राइबर, जैसे लोग कहते हैं 6,500 मेरे भाई हैं, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरी वीडियो को अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोहे के जाल को या तो आप कवर करें, नीचे पूरा लकड़ी का फर्श लगाएं या किसी भी तरह करके इस तरह आप रखें, जो एक प्रॉपर रखने का तरीका है। और लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि पैरट के जाल को हमने कबूतर जाल बना दिया, तो वो कबूतर का जाल नहीं है मेरे भाई, वो पैरट का जाल है। आप पैरट उसमें रख सकते हैं, बजीज रख सकते हैं एक पैर, आप कॉकटेल रख सकते हैं, तो वो पैरट का जाल है, वो पीजन का जाल नहीं है। अगर आपको कहीं से जाल मिले तो आप ऐसा जाल मत लेना जो पैरट का जाल हो, और आप पैरट का जाल समझ के आप उसमें कबूतर पालें तो ये गलत है, ये आपके जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, आपके कबूतरों में दिक्कत बनेगा। तो आप अपने हाथ से किसी भी जानवर को या इंसान को दिक्कत में मत लाएं, आप अच्छी तरह केयर करें। और अभी जैसे कि वीडियो हमने बनाई है, तो मैं आपको एक खुलासा और कर रहा हूँ उस वीडियो के अंदर कि एक्सोटिक पैरट की एक्सेसरीज आपको हमारे पास सब मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सेसरीज, उसमें ग्रे पैरट, मकाओ, स्कारलेट, कोकाटो, सल्फर, गाला, मलक्कन, एवरीथिंग, एक्सोटिक पैरट जितने भी आते हैं उसके सब के आपको स्टैंड्स मिलेंगे, आपको टॉयज, मतलब एवरीथिंग जो एक्सोटिक पैरट्स की एक्सेसरीज होती हैं वो सारी एलाइंस पोर्टेबल जू आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमने की है, हमने कोई भी प्रोडक्ट किसी बंदे से बाहर से परचेज नहीं किया, तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। सारी जितनी भी हमारी एक्सेसरीज हैं एक्सोटिक पैरट्स की, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए मेरा मकसद आप लोग जान चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। मैं शबीर ज़ैदी, अलायंस फुटबॉल से, टेक केयर गाइस।